नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम उपस्थित हैं चेड़ा बाड़। चेड़ा बाड़ का ये एरिया है और यहाँ पर एक पुल है जो कि मेदिनीनगर और चेड़ा बाड़ और लिदकी पतरिया को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ का जो दृश्य देख सकते हैं, ये कोयल नदी है, बहुत ही शानदार और अद्भुत यहाँ का नज़ारा है। सोचे कि बहुत सुंदर यह लोकेशन है तो एक सेल्फी वेल्फी ले लेते हैं। जितना यह सुंदर यह आपको पुल दिख रहा होगा, उतना ही भयावह इसका सड़क है। तो दिखाते हैं सड़क का हाल, और बहुत ही बद से बदतर स्थिति में सड़क का हाल है और बहुत ही ख़राब स्थिति में है। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का सच्चाई। कागज पर पुल बन गए, हुए सड़क निर्माण। हाँ जी, हुए सड़क निर्माण। दिन कर भ्रष्टों का हुआ इस धन से कल्याण, दिन कर भ्रष्टों का हुआ इस धन से कल्याण। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से जर्जर स्थिति में है यह पुल, तो देख सकते हैं किस तरह से यह पर रड निकला हुआ है। किसी भी वाहन के टायर में अगर लग जाता है तो पंचर हो करके किसी तरह से दुर्घटना हो सकता है। इस पुल का स्थिति देख करके दिल कूड़ जा रहा है। यह पुल का जो स्थिति है, तो वीडियो के माध्यम से यही मैं चाहूँगा कि इस स्थिति को जल्द से जल्द सुधारा जाए, और जो भी प्रतिनिधि लोग हैं, जो भी सरकार हैं, इस पुल का जो भी टूटा फूटा भाग है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा हो सके, आने जाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। बस हम सरकार से यही निवेदन करते हैं। अब वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है। तो फाइनली दोस्तों, हम घर पर आ चुके हैं और जैसा कि देख सकते हैं, अभी हम छत पर हैं और पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे भगवान शंकर जी का एक भव्य मंदिर है, और बगल में यहाँ पर बोरिंग हो रहा है। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से जो चेड़ाबार का जो ये पुल था, जो कि बहुत जर्जर स्थिति में है, वहाँ पर किसी भी तरह का घटना हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, जिस तरह का वहाँ पर पुल की स्थिति है। तो सरकार को चाहिए कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करे, अच्छा से करे, ताकि लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।